छत्तीसगढ़ के रायपुर में नापतोल विभाग के अंतर्गत एक इंस्पेक्टर नेहा साहू द्वारा डीलरों और तमाम व्यापारियों से लगातार अवैध वसूली की जा रही है। नापतोल विभाग का ये नियम है कि कोई भी शासकीय पैसा पहले बैंक में जमा होता है, उसके बाद उसकी स्टंपिंग की जाती है। इसके विपरीत रायपुर में पदस्थ इंस्पेक्टर नेहा साहू डीलरों और व्यापारियों से जिस प्रकार उगाही करती है, उसका एक ऑडियो सोशल मीडिया में है। इस प्रकरण में व्यापारी द्वारा उगाही का पैसा नहीं देने के कारण उसकी 40 तोल मशीनों को नेहा साहू द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। संबंधित व्यापारी ने ऑडियो क्लिक भेजकर शासन से मांग की है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करे। हाँ वो बताओ ना कब करोगे, मैं निकल रही हूँ, मैं ऑफिस में नहीं बैठूंगी, मैं वेट कर रही थी आपका। नहीं एक्चुअल क्या नहीं है जी, कहीं से पेमेंट लाने गया लड़का, जैसे आता है मैं लड़के के आते हैं, मैं खुद लेके आ रहा हूँ। नहीं तो आप कब कर रहे हो, कितने बजे? मैं नहीं बैठ रही हूँ ना ऑफिस में, मैं फील्ड में बैठ रही हूँ, मैं काम था अभी तक बैठी हुई थी ऑफिस में, मैं नहीं बैठे रहूंगी ना। नहीं नहीं तो आप भले मैं निकल जाऊँ ना, जैसे होगा तो आप छाव मेरे ऑफिस से, मैं दुकान से दे दूंगा ना, लिफाफा बना के रखूंगा, लिफाफा लेके चले जाना। नहीं मैं नहीं आऊंगी उस तरफ, नहीं आऊंगी, मेरा फास्ट भी है भाई, अरे मेरा फास्ट भी चल रहा है, मैं इतनी एनर्जी नहीं है, 50 बार आते रहूंगी ना, इसीलिए एनर्जी लेवल डाउन हो गया है जी एकदम, है ना। तो एक काम करो, नारियल पानी है ना जी, है नहीं ठीक है, कितना पियोगे नारियल पानी, उसमें एनर्जी नहीं आता है ना, पूरा 9 दिन उपवास है, कहाँ से आएगा 9 दिन उपवास, बाप रे, इसीलिए। अरे तो हम पापियों को देखो, मैं आज तक जिंदगी में एक दिन उपवास नहीं रखे, ये पहला है उपवास है, मतलब कुछ ऐसा है, इसीलिए तो धीरे धीरे एनर्जी डाउन हो जाती है ना, चौथा दिन हो गया है, इसीलिए फल फ्रूट पे चल रहा होगा बस। हाँ बस फल फ्रूट, इसलिए मैं बोल रही थी, आप बताओ, क्योंकि मैं अभी तक कुछ काम कर रही थी इसलिए मैं बैठी हुई थी, ऐसा है ना, घर में अलाव नहीं है ना। हाँ मैं समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ इसीलिए समझ रहा हूँ। तो आप बताओ ना, एक वो मेरा जो स्टाफ है उसको दे देना, कोई दिक्कत नहीं। कितने बजे करवा रहे हो आप ये तो बता। लड़का गया ही, कलेक्शन उरला ही गया है पेमेंट लाने के लिए, फोन नहीं उठा रहा, तो आदमी को सामने भेज दिया, मैं वहाँ से पेमेंट ला ले, उरला ही गया है लड़का, अब जैसे तुरंत आता है मैं आपको कॉल कर दूंगा, आप अपने स्टाफ को भेज दीजिए, मैं दे दूंगा उसको। स्टाफ नहीं आएगा, आप यहाँ भिजवा दो। हाँ तो मैं रहेगा, यहाँ भिजवा दो स्टाफ कलेक्ट कर। हाँ ठीक है मैम, ठीक है ना, कोई मेरे पास जैसे मेरे सिर्फ हाथ में आने दो, जैसे हाथ में मैं तुरंत दे देता हूँ आपको। मैं कब आएगा? कब आएगा? गया उरला, उरला है यहाँ से करीबन 2 बजे निकला है मेरे यहाँ का आदमी, अभी मुश्किल से पहुँचा होगा वहाँ पे। कितने बजे तक कल दोगे आप बताओ? 5:30 बज जाएंगे जी। देखो कल भी मेरे को बैठा दिए आप। नहीं सुनो ना नया जी, मैं सॉरी, मेरे चल के मेरे पास पेमेंट का फंड जो है ना यहाँ पे आने, और यहाँ के भी ये सभी जाएगा ना, ये स्टंपिंग की जो जा रही है ना, तो उसके बाद वहाँ से पेमेंट निकलेगा कि हाथ जो है ना, हाथ है विश्वास करके लग रहा। हाँ तो मैं आपका 1 रुपया भी, 1 दिन लेट होगा लेकिन 1 रुपया भी कट के नहीं मिलेगा अभी, नहीं लेकिन करवा दीजिए ना। हाँ मैं करा, बाकी एक मेरे तरफ से मेरा पेमेंट 1 दिन लेट मिलेगा लेकिन पैसा डूबेगा नहीं, विश्वास किए तो विश्वास किए तो विश्वास 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 नहीं, विश्वास गलत नहीं होगा जी। वही तो मैं चाह रही हूँ, करवा दीजिए कैसे भी करके, कोशिश पूरी कर, कोशिश कर रहा हूँ मैं, जैसे आता है भाई मेरे पास काउंटर पे पेमेंट पे आ जाए ना, तो वो भी जरूरी नहीं है कि वो पैसा मेरे पास पेमेंट पेमेंट के, क्या ग्राहकी पूरी ठंडी चल रही है ना, पेमेंट कहीं से कलेक्ट हो नहीं पा रहा है, फिर भी मैं कहीं ना कहीं, फिर भी कहीं ना कहीं आपका काम हो गया, अब आप नहीं 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 वो मत सोचो, वो मत सोचिए वो मत सोचिए, फंसा दिए बीच में, मेरी बात सुनिए जी, वो मत सोचिए कि मेरा काम हो गया तो मैं शेर बन गया, नहीं मैं पहले भी नॉर्मल था, अभी भी नॉर्मल हूँ, मेरे पास जैसे आता है तुरंत मैं कर दू, मेरा भैया जैसे आ रहा है ना मैं तुरंत दे रहा हूँ मैं आपको, आप जहाँ बोलोगे मैं वहाँ छोड़ा दू, जिसके यहाँ बोलोगे मैं उसके यहाँ छोड़ दूंगा। ठीक है आप फोन कर लेना। हाँ जी हाँ जी, ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।